हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज मैं जितना तेज़ दौड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये दुनिया हमसे कई गुना तेज़ दौड़ रही है। हम सभी इस रेस में काफ़ी पीछे रह चुके हैं। आज मैं अपने आप से ये वादा कर रहा हूँ कि ये दुनिया की कदम से कदम मिला के चलेंगे। मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करूँ, और आज इसी सपने को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और सिर्फ आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग्स। तो कुछ एक्साइटमेंट भी हूँ और थोड़ा नर्वस भी हूँ, क्योंकि आज ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। सभी लोगों तो जानते ही हैं कि कोई कैमरा और ट्रैफिक उठा के सौरभ जोशी जैसा ब्लॉगर नहीं बन सकता, और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं ऐसा क्या करूं जो आप सभी लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए। लाइफ और यूट्यूब का ये पहला व्लॉग है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं जो आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए। और मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूं कि मैं पहले ही व्लॉग से आप लोगों को दिल को नहीं जीत पाऊँगा। मुझे पता है कि आप लोग अपना कीमती वक्त मेरे इस व्लॉग पर ज़रूर देंगे। मैं ये आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा ब्लॉग दूंगा कि आप सभी लोगों का दिल जरूर जीत लेंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अपने आप पे पूरा विश्वास है कि हम आप सभी लोगों का आने वाले वक्त में ऐसा ऐसा ब्लॉग देंगे जो कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ब्लॉगर होने के लिए टैलेंट होना चाहिए, जो कि टैलेंट है पब्लिक के सामने जाके बोलना। बंदा डायरेक्ट कैमरा और ट्रैफिक उठा के पब्लिक के बीच जाके नहीं बोल सकता, और पब्लिक को दिल पहले ब्लॉग में नहीं जीत सकता है। जैसे क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी की बात आई है तो देखते हैं आपके भाई में कितना टैलेंट है। आगे चल के और थोड़ी और इम्प्रूवमेंट, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो। इस ब्लॉग में मैं अपने आप के बारे में कुछ बता रहा हूँ, और कहाँ रहता हूँ और क्या करता हूँ। तो मैं अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे हूँ, और मेरे घर के पीछे थोड़ा ये जंगल झाड़ है, और इसी में आके मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। फिलहाल ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और यहाँ के व्यू भी बहुत हरियाली है और देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसीलिए फिलहाल हम इसी जगह पे वीडियो 2-4 शूट करेंगे, और आप लोग का जैसे ही प्यार मिलते रहा तो मैं किसी दूसरा लोकेशन देख लेंगे। और आप सभी लोगों को ये लोकेशन अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। का भाई यूट्यूब पे पहली बार आया है, और कोई ज़्यादा समझ नहीं है, आप लोग अपना राय ज़रूर दें। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। मेरा नाम राजेश है, और मेरा घर बिहार में पड़ रहा है, और मैं एक छोटे से फैमिली से बिलोंग कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं 10th क्लास का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और अभी बैठारी है। तो मैंने सोचा कि एक रिजल्ट का वेट कर रहा था, और मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं ब्लॉगिंग किया जाए। सोचकर मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है, और आप सभी लोगों का प्यार चाहिए। एक चीज़ तो पता चल ही गया कि एक ब्लॉगर का लाइफ कैसा और क्या होता है, और एक ब्लॉगर बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना होता है। आज ये पता चल ही गया कि एक ब्लॉगर का लाइफ कैसा होता है और क्या होता है, और एक ब्लॉगर होने के लिए क्या कुछ नहीं करना रहता है। आज मैं जो वीडियो शूट करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए 10 से 15 बार टेक लिए हैं, उसके बाद ये वीडियो को कम्प्लीट कर पा रहे हैं। इस वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, इसीलिए आज का इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। सामने आता है तो क्या बोले और क्या कहें कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए हम सोच कुछ रहे थे और बोल कुछ दिए हैं कैमरा के सामने। इसीलिए आप सभी लोगों का बस सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। एक स्क्रिप्ट लिखा था जिसके माध्यम से आज का मेरा फर्स्ट ब्लॉग शूट करते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट तो लिखी ही रह गई, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखे थे और कैमरा के सामने आए, बोलना कुछ था और बोल कुछ और दिए।
कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे ब्लॉग शूट करें और क्या करें, इसीलिए जो मन में आया बस वो बक दिए। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने राय कमेंट में दें करके बताएं कि आगे किस चीज़ पे मैं ब्लॉग बनाऊं और कैसे ब्लॉग बनाऊं। आप सभी लोगों जब लाइक करेंगे तो मेरा ये हौसला बढ़ेगा कि मैं आगे और इससे अच्छा अच्छा और वीडियो बना सकूँ। बाय गाइस।